ये फोटोग्राफ इसलिए डाली है ताकि हम इस बात को याद रखें कि कोरोना वायरस की जब महामारी पूरी दुनिया में फैली थी तब भी हम YouTube पर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हमने पार्ट वन में कवर किया है इंडियन पिनल कोड की हिस्ट्री को, पार्ट टू में कवर किया है कि सभी चैप्टर्स और उसके सेक्शंस को कैसे याद करें। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम कवर करेंगे इंडियन पिनल कोड का चैप्टर वन इंट्रोडक्शन फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। बेर एक्ट को समझते हैं। ये थॉमस बैबिंगटन द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। यहाँ पर 6 अक्टूबर 1860 डेट मेंशन की गई है। कमेंट करके बताएं ये इनैक्टमेंट की डेट है कि ऑपरेशन की। व्हेन वाज आईपीसी ऑपरेटिव, आईपीसी का प्रीएम्बल भी है, इस बात को जरूर याद रखें। और शुरुआत में ही बताया गया है, वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया इट इज इनैक्टेड एज फॉलोज। एक्सपीडियंट का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है। यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, इसका मतलब ओरिजिनल शब्द इंडिया नहीं ब्रिटिश इंडिया था जिसे बदलकर बाद में इंडिया कर दिया गया। यहाँ पर भी ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पे ओरिजिनल शब्द एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था जिसे हटाकर एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया कर दिया गया। यहाँ तीन स्टार्स बने हैं, मतलब बेयर एक्ट में अगर नीचे देखेंगे तो तीन स्टार्स में ये इसका मेंशन किया गया है। इसको मेंशन करके समझाया गया है कि इस शब्द को 2019 में इंसर्ट किया गया था। कौन सा शब्द? एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया का शब्द जो है। किसी भी कंपटीशन में इस सवाल को पूछा जा सकता है, तो याद रखें 31 अक्टूबर 2019 को एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को हटाकर एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया लिखा गया। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया के शब्दों को डाला गया है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को हटाकर। यहाँ पे इंडिया को ब्रैकेट में दिया गया है, फिर से इसको ब्रिटिश इंडिया को हटाकर अमेंड कर इंडिया कर दिया गया है। ये कब किया गया था अगर ये पूछा जाए तो याद रखें 1 मई 1861 में इस शब्द को हटा के इंडिया किया गया था। सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, मतलब ये एक्ट का नाम क्या होगा। एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड मतलब ये कहां कहां पर लागू होगा। सेक्शन 1 हमेशा की तरह दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पिनल कोड, मतलब अपना नाम बता रहा है, एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे ही भारत में ये लागू होगा। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, उन अपराधों की सजा जो भारत में किया गया हो। सेक्शन 2 हमें इन्फॉर्म करता है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, ओमिशन मतलब नॉट डन, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस thereof, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब इस एवरी पर्सन का मतलब होता है इंडियन सिटीजन्स इंडिया में रहने वाले हों या फॉरेन सिटीजन्स जो भारत विजिट कर रहे हों। सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी को हल्के में मत लेना। यहाँ पर ये जो शब्द पर्सन दर्शाया गया है, इट इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब ये केवल सिर्फ एक इंसान या इंसानों के लिए नहीं है बल्कि कंपनी पर भी लागू होता है। सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सेक्शन 3 कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अब सेक्शन 2 में एवरी पर्सन था, मतलब हर एक इंसान के ऊपर लागू होता है, और सेक्शन 3 में एनी पर्सन होता है मतलब एनी पर्सन जो भारतीय नागरिक है उसके ऊपर, शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब अगर कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में कोई अपराध करता है और उस देश के अनुसार वह अपराध है ही नहीं लेकिन भारतीय कानून के अनुसार वह अपराध होता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भारत के अंदर केस चलाया जा सकता है।
तो आईपीसी का सेक्शन 3 हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि कोई भी अपराध भारत की सीमाओं के बाहर होते हुए भी भारत में उसी तरह देखा जाएगा जैसे वह भारत में ही किया गया हो। तो ये जो थाईलैंड जाने वाले समझ रहे हो ना, सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, मतलब आईपीसी को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है उन अपराधों के लिए जो भारत की सीमा के बाहर हुए हों। सेक्शन 4 कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ द कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, मतलब जो सेक्शन 3 में हम बात कर रहे थे उनको और उनके अलावा इनको भी आईपीसी के दायरे में लाया जाएगा। कैसे, चेक करते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब भारतीय नागरिक किसी भी जगह पर जो भारत की सीमाओं के बाहर हो वहां पर भी ये लागू होगा उसके ऊपर। और सबसेक्शन 2 इन्फॉर्म करता है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, अब यहां पे एनी पर्सन का मतलब आ जाता है कोई भी व्यक्ति। ये फर्क है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, वहां पे भारतीय नागरिक की बात कर रहा था, यहां पे बात हो रही है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो भारतीय नागरिक है या विदेशी नागरिक है। आगे बात कर रहा है कि ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया Wherever it may be, मतलब कोई भी पानी का जहाज कहीं पर भी हो, यहां भारत से निकला ये गया वहां पर, ये दूसरा जहाज निकला ये गया कनाडा पर। अब ये पानी का जहाज भारत में रजिस्टर्ड हो चाहे विदेश से खरीदा गया हो, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अगर भारत में है तो कोई भी व्यक्ति जो इस पे ट्रेवल कर रहा है, सफर कर रहा है या ड्यूटी निभा रहा है उस पर आईपीसी लागू होगी। आईपीसी धारा 4 की उपधारा 2 में दूसरी बात एयरक्राफ्ट की गई है। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, एयर इंडिया का 787 ड्रीमलाइन जो एयरक्राफ्ट है उसको मैन्युफैक्चर अमेरिका ने किया था। आप देख सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अमेरिका के कंट्री में, मतलब ये एयरक्राफ्ट तो अमेरिका का है और इंडिया की एयर इंडिया कंपनी ने इसको खरीदा है। इस अमेरिका के ड्रीमलाइन एयरक्राफ्ट को इंडिया में रजिस्टर किया गया है, तो ये इंडिया का जहाज हो गया। अब अगर इस जहाज पे ट्रेवल करते हुए कोई भी व्यक्ति, मींस चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का, उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3 उपधारा 3, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अब एनी पर्सन से समझ गए हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी हो। एनी प्लेस मतलब दुनिया में कहीं भी। कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, अब ये अपराध बेसिकली इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सेक्शन 4 खत्म हो गया है, लेकिन एक एक्सपर्ट्स के लिए सेक्शन 4 में एक्सप्लेनेशन है दो शब्दों की। पहला ऑफेंस, जो कि कहता है कि हर वो कार्य जिसे भारत में करने पर अपराध माना जाता है उसको बाहर किया जाए भारत के तो उसको भी अपराध माना जाएगा। ये ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 में, और कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन भी सेक्शन 4 में दी गई है, जिसे वह कह रहा है कि सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट 2000 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें दिए गए क्लॉज के सबसेक्शन 1 के अनुसार कंप्यूटर रिसोर्स कहा जाता है। और एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल, मतलब सेक्शन 4 की एग्जांपल है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन उगांडा ही कैन बी ट्राइड एंड convicted of murder in any place in India in which he may be found. Simple सी बात कह रहा है, अगर भारत का नागरिक उगांडा में जाके किसी का मर्डर कर देता है, उसको जान से मार देता है, तो भारत के किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में उसके ऊपर मर्डर के ऑफेंस का केस चलाया जा सकता। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक आप समझ गए होंगे कि आईपीसी सब पे भारी पड़ रहा है, चाहे वो देश का नागरिक हो, चाहे कोई विदेशी पर्यटक हो जो इंडिया विजिट कर रहा है, या फिर कोई भारतीय या विदेशी भारत के शिप, एयरक्राफ्ट या किसी भी ऐसी चीज पर जो भारत में रजिस्टर है
उसमें ट्रेवल कर रहा हूँ। ये कंपनीज पे भी लागू है, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो। विदेशी कंपनी जो इंडिया में अपना बिजनेस करने के लिए किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में रजिस्टर्ड हो, एग्जाम्पल वोडाफोन। ये तो थे 1 से 4 तक सेक्शन, लेकिन सेक्शन 5 अलग बात कर रहा है। सेक्शन 5 है, सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब कुछ कानून ऐसे हैं जो आईपीसी की धाराओं से इफेक्ट प्रभावित नहीं होते हैं। मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, वरना सारी की सारी एजुकेशन या बड़ी से बड़ी पोजीशन हो जाएगी बेकार।